देखिए मौजूदा बरेली के जिला चिकित्सालय में ये मंडल स्तर का अस्पताल है और यहाँ पर डायलिसिस यूनिट लगी है, यानी कि गुर्दे के मरीजों के लिए डायलिसिस होती है, जिन्हें संक्रामक मुक्त वातावरण में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हालत मेरे कैमरे की नज़र में आप देख रहे होंगे, अस्पताल परिसर के अंदर भरा हुआ जल भराव, ये पहली बरसात में अस्पताल की कलई खुलना शुरू हो गई है, सीवर लाइन डैमेज है अस्पताल की, सीवर चोक हो गए हैं, तमाम शौचालय में बैठना मुश्किल हो रहा है और दूसरी तरफ सड़क भी देख रहे होंगे, इसमें भी जल भराव है, यानी बुरा हाल है, बदहाली है जिला अस्पताल के अंदर। सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, मरीजों की दिक्कत परेशानी उनके तीमारदार सुनाने के लिए अस्पताल के अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। आइए दिखाते हैं हम आपको अस्पताल का हाल, साथ ही सुनवाते हैं क्या बोले बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत शुक्ला। आइए चलते हैं विनीत शुक्ला के पास। मरीज को कैसे जल भराव के अंदर से होकर निकलना पड़ रहा है, ये भी नज़ारा हम दिखा रहे हैं बरेली मंडल के जिला चिकित्सालय का, यानी स्ट्रेचर से कैसे मरीज इस में निकल रहे हैं बरसात के पानी के अंदर से, ये मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे। अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं, समझने को तैयार ही नहीं, अस्पताल का स्टाफ किस कदर परेशान है, पानी के बीच से होकर निकलना पड़ रहा है मरीजों को लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ। मैं दिखा रहा हूँ कैमरे, कितना नाम है आपका? अदब, मेरा नाम मोहम्मद इमरान मलिक है। इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पानी पीने की सुविधा नहीं है, ना फिल्टर वगैरह कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, पानी का है नहीं सुविधा। यहाँ पे दो हैंडपम्प लगे हुए हैं, वो भी गंदे रहते हैं, टूटे हुए हैं, यहाँ पर दिक्कत हो रही है जी, बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए दो दिन पहले जिस अस्पताल बरेली के अंदर एक इमरजेंसी के बाल रोगी को इधर से उधर टरकाया गया, महिला अस्पताल तो कभी पुरुष अस्पताल, लेकिन बच्चा भर्ती नहीं हो पाया, आखिरकार उसकी जान चली गई, लेकिन बाद में खामियाजा यहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को भुगतना पड़ा, डॉक्टर के एस गुप्ता सस्पेंड हो गए हैं, महिला सीएमएस पर भी गाज गिरने वाली है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन कितना सुधरा है उसका नमूना पेश कर रहा हूँ मैं एक आपके सामने मरीज। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या तकलीफ है? बुखार ज्यादा। पर्चा बन गया? हाँ बन गया। क्या कह रहे हैं? बेड खाली नहीं है। बेड खाली, कौन से वार्ड में जाए? पता नहीं कौन से बताए भैया, दिल के वार्ड। देखिए ज्योति नाम की मरीज जैसे बुखार है और उससे कहा जा रहा है कि वो दिल के वार्ड में जाके भर्ती हो जाए, जहाँ दिल का डॉक्टर नहीं, जिला अस्पताल में लंबे अरसे से कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं, दिल के वार्ड में बुखार के रोगी को तड़काया जा रहा है, मरीज है कि मारा मारा घूम रहा है। आखिर ऐसे व्यवस्था में कैसे समझा जाए कि योगी और मोदी जी की सरकार में मरीजों को तमाम तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, दीवारें पुती हुई हैं, आपातकालीन सेवाएं, नारे दिखे गए हैं स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत और इलाज के, लाखों रुपया खर्च कर दिया गया है सरकार का नारों पर, नारों के लेखन पर, लेकिन इलाज के नाम पर क्या हो रहा है वो तमाम मरीज इसके गवाह हैं। ज्योति जैसे रोज मायूस होकर लौट रहे हैं, किसी को दवा नहीं मिल रही, किसी को डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे, किसी को भर्ती नहीं किया जा रहा है। देखते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और हम दिखाते रहेंगे इसी तरीके की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीएमओ बरेली डॉक्टर विनीत शुक्ला सर, क्या तैयारियां हैं सर एपिडेमिक संक्रामक रोगों से बचने के लिए, चूंकि बरसात शुरू हो गई है आज से? इस बार तो शुरू से ही हम लोगों ने तैयारी करी थी, बरसात आज से शुरू हुई है, किंतु हमारा निरंतर कार्य चल रहा है। पहले हम लोगों ने कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया, जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे आरआरटी टीमों का गठन कर लिया, ग्रामों में हमारे लार्वा नाशक दवाओं का छिड़काव चल रहा है। इस बार हमें इंडोर रेजिडुअल स्प्रे जो डीडीटी का होता है वो भी हमें 220 गांव के लिए स्वीकृत हो गया है, तो वहाँ हम करा रहे हैं। मझगवा के 83 गांव में इंडोर रेजिडुअल स्प्रे डीडीटी का हो चुका है। जहाँ से भी हमें कोई प्लाज्मोडियम फाल्सीपीरम के केस की जानकारी मिलती है उस मोहल्ले में अथवा गाँव में, हम इंडोर पायरेथ्रम स्प्रे तुरंत करवा रहे हैं और 28 गाँव में अभी तक इंडोर पायरेथ्रम स्प्रे हम करा चुके हैं। इसके अलावा फॉगिंग हम 87 गाँव में करा चुके हैं। अंतर विभागीय बैठकें हमारी कई हो चुकी हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 3 बैठक हो चुकी है और दैनिक आधार पर भी मुख्य विकास अधिकारी महोदय के साथ अंतर विभागीय बैठकें रोज शाम की गई, और अब यदि कोई ऐसी समाचार आएगा रोग के फैलने का
तो पुनः दैनिक बैठकें की जाएंगी। 5 अधिकारियों की एक मैंने टीम बना दी है जो निरंतर इस स्थिति पर नजर रखेगी, जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संचारी रोग के हैं, एक और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, और एक NCDC से हमारे चिकित्सा अधिकारी आए हैं जो इसी चीज़ के विशेषज्ञ हैं। इन 3 चिकित्सा अधिकारियों को, उसके अलावा जिला मलेरिया अधिकारी और एपिडेमियोलॉजिस्ट, इन सब लोगों की मिला के हमने एक टीम बना दी। कोई कंट्रोल रूम वगैरह भी खुला है क्या? कंट्रोल रूम मैंने आपको बताया, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम कुछ नंबर की तरह है। इसका टेलीफोन नंबर है 255-33-11, 255-33-11। सीमा साहब, देखने में आ रहा है कि जहाँ आपका दफ्तर है इसके आसपास जल भराव हो रहा है, सीवर लाइन चौक है आपके पड़ोस के अस्पताल में, लार्वा पनपेगा, क्या नहीं लगता कि चिराग तले अंधेरे जैसी स्थिति है? सीवर लाइन के विषय में आपको विदित भी है, हमने कई बार प्रयास किए हैं, नगर निगम से हमने निरीक्षण भी कराए हैं और जिला चिकित्सालय के जो अधिकारी हैं लोगों ने भी बहुत प्रयास किए हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दो तीन दिन पूर्व नगर पालिका के लोगों को बुला के अपने कार्यालय के बाहर का सब जल भराव साफ कराया था। बरेली में नगर निगम मौजूद, नगर पालिका तो नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर सफाई करवा दिया था, एकदम ड्राई करा दिया था, लेकिन ये जल भराव की समस्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये चिकित्सा से संबंधित नहीं है। इसके लिए बार बार हम संपर्क कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराएंगे और इसको हम ठीक कराएंगे। जब तक जल भराव है हम इस पर लार्वा नाशक दवा का छिड़काव करवा देते हैं तो उससे मच्छर नहीं पनपेगा।